हेलो दोस्तों, आज हम सभी जुलाई, अगस्त और सितंबर के कुछ स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, इसके अलावा जो अपकमिंग टूर्नामेंट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। फर्स्ट इज़ अभिमन्यु मिश्रा, यूएस प्लेयर ऑफ इंडियन ओरिजिन, हैज़ बिकम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर। भारत मूल के जो अभिमन्यु मिश्रा हैं वो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, जिनकी उम्र है 12 साल। इसके अलावा जो भारत के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर हैं उनका नाम है विश्वनाथ आनंद जी, जो कि 1988 के अंदर इंडिया के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर बने थे। नेक्स्ट इज़ 2022 वुमेन एशियन कप इन इंडिया विल बी हेल्ड इन मुंबई एंड पुणे। तो जो 2022 के वुमेन एशियन कप है वो भारत आयोजित करवाएगा 2022 के अंदर मुंबई और पुणे में। वुमेन एशियन कप की शुरुआत 1975 के अंदर हुई थी, ये फुटबॉल से संबंधित है। तो जो 2022 के अंदर 20th एडिशन भारत वुमेन्स एशियन कप का आयोजन करवाने वाला है वो 20 जनवरी से लेके 6-5 के बीच में होगा। नेक्स्ट इज पोर्चुगल कैप्टन क्रिस्टियानो रोनाल्डो वॉन द यूरो 2020 गोल्डन बूट। पुर्तगाल के जो कप्तान हैं फुटबॉल टीम के, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उन्होंने यूरो 2020 गोल्डन बूट्स जीत लिए हैं। जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है वो अभी तक के इंटरनेशनल जितने भी फुटबॉल टूर्नामेंट्स हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। इसके अलावा इन्होंने 5 बार बेलोंडी अवार्ड जीता है और 4 बार जो यूरोपीय गोल्डन शूज़ हैं वो भी जीते हैं। नेक्स्ट इज़ दीपक खाबरा हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी सेलेक्टेड फॉर जजिंग द जिमनास्टिक कॉम्पिटिशन ऑफ द ओलंपिक गेम्स। भारत के पहले ऐसे ऑफिशियल जो कि ओलंपिक खेलों के अंदर जिमनास्टिक इवेंट में ऑफिशिएटिंग करने वाले हैं, जजिंग करने वाले हैं, उनका नाम है दीपक खाबरा। नेक्स्ट इज लेविस हैमिल्टन वॉन द ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स 2021। तो ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स 2021 का खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन ने। नेक्स्ट इज इंडियन रेसलर प्रिया मलिक हैज़ वोन अ गोल्ड मेडल एट द 2021 वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैम्पियनशिप इन बुदापेस्ट, हंगरी। 2021 के जो विश्व कैडेट कुश्ती चैम्पियनशिप हुई थी उसके अंदर प्रिया मलिक ने एक गोल्ड मेडल जीता, जो कि इन्होंने 73 kg वेट कैटेगरी के अंदर जीता था। इसके अलावा मेंस रेसलिंग के अंदर अमन गुलिया ने 48 kg वेट कैटेगरी में और सागर गालियन ने 80 kg वेट कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल जीते थे। नेक्स्ट इज वन ऑफ द यंगेस्ट गोल्ड मेडल विनर इन ओलंपिक, जापान्स मोमीजी नशिया। तो जो टोक्यो 2020 ओलंपिक्स 24 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक करवाए गए थे उसके अंदर सबसे यंगेस्ट जो एथलीट है या फिर गोल्ड मेडल विनर जो है उनका नाम है मोमीजी निशिहा। इन्होंने स्केटबोर्डिंग इवेंट के अंदर गोल्ड मेडल जीता है और सिर्फ 14 ईयर्स इनकी एज है, जापान की मोमीजी निशिहा। नेक्स्ट इज पीवी सिंधु वोन द सिल्वर मेडल इन वुमेन्स सिंगल्स बैडमिंटन एट द रियो ओलंपिक्स इन 2016। पीवी सिंधु जो है वो भारत की ऐसी दूसरी खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों के अंदर 2 मेडल जीते हैं, एक सिल्वर मेडल 2016 के ओलंपिक्स में और एक ब्रॉन्ज मेडल 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर। 2 मेडल इन्होंने बैडमिंटन इवेंट के अंदर भारत को दिए हैं। इसके अलावा जो पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 मेडल ओलंपिक खेलों के अंदर जीते उनका नाम है सुशील कुमार, उन्होंने रेसलिंग के अंदर 2 मेडल जीते थे। इसके अलावा पीवी सिंधु ऐसी फर्स्ट वुमेन एथलीट हैं जिन्होंने भारत को 2 मेडल ओलंपिक खेलों के अंदर दिए। नेक्स्ट इज द सॉन्ग इज टाइटल्ड कर दे कमाल तू। जो ये गाना है कर दे कमाल तू, ये गाया गया है संजीव सिंह द्वारा, जो कि लखनऊ से है और ये एक दिव्यांग क्रिकेटर है, एक डिसेबल्ड क्रिकेटर है, और ये सॉन्ग लॉन्च किया गया था भारतीय ओलंपिक दल के थीम के लिए। नेक्स्ट इज इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020। भारत का कैसा प्रदर्शन रहा टोक्यो 2020 के अंदर? तो टोक्यो 2020 32nd नंबर के ओलंपियाड थे और इसके बाद जो ओलंपिक होने वाले हैं 2024 के अंदर वो होएंगे पेरिस के अंदर, जो कि 33 नंबर के 33rd
ओलंपियाड जो कि होंगे, और उसके बाद 2028 में होंगे लॉस एंजलिस के अंदर। सो जो 32 नंबर वाले ओलंपियाड्स ओलंपिक गेम्स थे उसके अंदर भारत ने टोटल 7 मेडल्स जीते, जिसके अंदर 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो इसमें इंडिया ने ओवरऑल अगर बात की जाए तो 48th पोजीशन अचीव की है, 48 नंबर पर भारत मेडल टैली के अंदर रहा टोक्यो 2020 में। फर्स्ट नंबर पे है यूएसए जिसने कि 39 गोल्ड मेडल जीते, और सेकंड नंबर पर है चाइना जिसने 38 गोल्ड मेडल जीते, थर्ड नंबर पे जापान जिसने 27 गोल्ड मेडल जीते, और 48 नंबर पर है इंडिया जिसने कि 7 टोटल मेडल्स जीते हैं। इन 7 टोटल मेडल्स में 1 गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो के अंदर जीता, 1 सिल्वर मेडल मीराबाई चानू ने 49 केजी वेट कैटेगरी में वेटलिफ्टिंग में जीता, और 1 सिल्वर मेडल 57 केजी रेसलिंग के अंदर रवि दहिया ने जीता। इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग के अंदर जीता, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में, बजरंग पुनिया ने 65 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग के अंदर, और 1 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया मेंस हॉकी टीम ने। तो इंडिया मेंस हॉकी टीम ने जो 1 ब्रॉन्ज मेडल टोक्यो 2020 के अंदर जीता है, वो पूरे 41 ईयर्स के बाद भारत ने हॉकी का कोई मेडल जीता है, यानी इससे पहले 1980 के जो ओलंपिक्स थे उसमें कोई हॉकी का भारत का इवेंट, भारत का कोई मेडल था। उसके बाद इतने लंबे टाइम के बाद 41 ईयर्स के बाद दोबारा से एक नई शुरुआत भारत ने की और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अलावा वुमेन्स हॉकी टीम ने भी सेमीफाइनल तक परफॉर्म किया। नेक्स्ट इज इटलीज मार्कल जोकोबक्स विन मेंस 100 मीटर गोल्ड एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर अब की बार इटली के जो मार्कल जोकोबक्स हैं इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 100 मीटर रेस के अंदर। इससे पहले क्या होता था कि जो भी एथलेटिक्स के वर्ल्ड टूर्नामेंट्स हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं या फिर ओलंपिक्स हैं, उसमें जमैका के एथलीट्स जो हैं वो ज़्यादातर मेडल्स जीतते थे, लेकिन अब की बार अगर बात की जाए मेंस कैटेगरी की तो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों ही अदर कंट्रीज़ ने जीते हैं। इसमें जमैका ने कोई मेडल नहीं जीता मेंस कैटेगरी के अंदर। इसमें जो गोल्ड मेडल है वो जीता है इटली के मार्कल जोकोबक ने, और जो सिल्वर मेडल है वो जीता है फ्रेड कर्ली ने जो कि अमेरिका के हैं। इसके अलावा जो ब्रॉन्ज मेडल है वो कैनेडा के आंड्रे डे ग्रास ने जीता है 9.89 के रिकॉर्ड से। अगर बात की जाए वुमेन्स एथलीट्स की तो वुमेन्स के अंदर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों ही जमैका के जो वुमेन एथलीट्स हैं उन्होंने ही जीता है। नेक्स्ट इज एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड दैट जेवलिन थ्रो डे विल बी ऑन 7th अगस्त। भारत की जो एथलेटिक्स संगठन है उन्होंने डिसाइड किया है कि हर साल 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे बनाया जाएगा, जेवलिन थ्रो दिवस बनाया जाएगा, और ये नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल आने की खुशी में ऐसा तय किया गया है। इन्होंने 87.58 मीटर के रिकॉर्ड से गोल्ड मेडल जीता है, जो कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद भारत को ओलंपिक खेलों के अंदर गोल्ड मेडल इंडिविजुअल इवेंट के अंदर मिला। इससे पहले 2008 के अंदर अभिनव बिंद्रा ने इंडिविजुअल इवेंट के अंदर मेडल भारत को दिया था। नेक्स्ट इज जापान यूटो होरिगोम विंस फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडल इन स्केटबोर्डिंग। जापान के जो ये एथलीट है यूटो होरिगोम, इन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता है स्केटबोर्डिंग इवेंट के अंदर। तो 2020 के जो ओलंपिक्स हैं जिनका आयोजन 2021 में करवाया गया है उसमें कुछ नए इवेंट्स और स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया था, जिसमें से एक स्केटबोर्डिंग भी है, जिसके अंदर जापान के एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट इज हर्षित राजा बिकम इंडियाज 69th ग्रैंड मास्टर। तो 2021 के अंदर भारत के 69th ग्रैंड मास्टर बने हैं हर्षित राजा। फर्स्ट थे विश्वनाथ आनंद और यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक अभियान चलाया है जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया है कि 2028 के अंदर, यानी जो 34th ओलंपियाड होंगे उसके अंदर क्रिकेट को इंक्लूड किया जाना चाहिए। ये प्रयास करेगी ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना हुई थी 1928 के अंदर, हेडक्वार्टर है मुंबई में।
जिसके प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली, वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला और सेक्रेटरी है जे शाह। नेक्स्ट इज रोनक साधवानी विंस 2021 स्प्लिमबर्गो ओपन चेस टूर्नामेंट। रोनक साधवानी ने, जो कि सिर्फ 15 साल के हैं, इन्होंने 19th जो एडिशन है स्प्लिमबर्गो ओपन चेस टूर्नामेंट का, जो कि इटली के अंदर हुआ, उसको जीत लिया है। नेक्स्ट इज ओडिशा गवर्नमेंट विल स्पॉन्सर द इंडियन हॉकी टीम्स फॉर 10 मोर ईयर्स, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक अनाउंस्ड। तो उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उन्होंने ऐसा कहा है कि आने वाले जो 10 साल हैं उसमें जो भी इंडिया की मेंस या वुमेंस हॉकी टीम है उनका जो खर्च है वो उड़ीसा सरकार करेगी, चाहे वो किट से रिलेटेड है या इक्विपमेंट से रिलेटेड है। तो इसके अलावा जो टोक्यो के अंदर भारत की टीम्स का प्रदर्शन रहा उसको देखते हुए 10 लाख रुपये भी उड़ीसा सरकार ने भारतीय टीमों को दिए हैं। नेक्स्ट इज 2021 एडिशन ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स U20 चैम्पियनशिप नेबी केन्या। तो जो नेबी केन्या है वो 2021 के एडिशन वर्ल्ड एथलेटिक्स U20 का चैम्पियन रहा, जिसके अंदर 116 नेशनल एसोसिएशंस इंक्लूड हैं और अब की बार टोटल 958 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। 45 इसके अंदर इवेंट थे और 18 से लेके 22 अगस्त तक ये आयोजित करवाए गए थे। और इनकी जो ओपनिंग सेरेमनी होती है, शुरुआत होती है, वो प्रेसिडेंट ऑफ केन्या यानी जिस भी जगह पर ये होने वाले हैं उसके प्रेसिडेंट करवाते हैं। नेक्स्ट इज इंडिया फिनिश 24 इनसाइड द टोक्यो पैरालंपिक्स विद 19 मेडल्स। अगर बात करें पैरालंपिक्स की तो भारत ने 24th नंबर पर सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और अब की बार 19 मेडल भारत ने जीते हैं, जो कि अब तक का सबसे अच्छा रिकॉर्ड पैरालंपिक्स के अंदर भारत का रहा। फर्स्ट नंबर पर है चाइना जिसने टोटल 207 मेडल्स जीते हैं। सेकेंड पर है ग्रेट ब्रिटेन जिसने 124 मेडल्स जीते हैं। थर्ड नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स जिसने 104 मेडल्स जीते हैं। और 24th नंबर पर है इंडिया जिसने कि 19 मेडल्स जीते हैं। तो इन 19 मेडल्स में किस किस ने मेडल जीते वो भी देखते हैं। इसके अलावा टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 के अंदर भारत से 54 टोटल एथलीट्स जो हैं वो पार्टिसिपेटेड थे 9 स्पोर्ट्स के अंदर, जिसमें कि 19 मेडल्स हमने जीते, 24th नंबर पर भारत रहा। इसके टोक्यो पैरालंपिक्स के अंदर ओपनिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बैरियर है वो तेगचंद जी थे और क्लोजिंग सेरेमनी में अवनी लाखरा। इसके अलावा जो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स हैं उसकी ये लिस्ट है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको इन मेडल्स की कंप्लीट डिटेल चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि 36 ईयर्स के हैं और इन्होंने सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस के अंदर, इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है, जो कि 111 है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिताएं हैं उनके अंदर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सबसे ज़्यादा गोल किए हैं। नेक्स्ट इज द 113th एडिशन ऑफ द डूरंड कप टूर्नामेंट, यानी डूरंड कप का जो 130वां संस्करण है वो होने वाला है कोलकाता के अंदर, जो कि विवेकानंद युभारती कृष्णा रंगन यूनिवर्सिटी के अंदर होगा। डूरंड कप विश्व का तीसरा सबसे पुराना कप है और भारत का पहला सबसे ओल्डेस्ट जो फुटबॉल कप है वो डूरंड कप है, जिसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश से हुई थी 1888 के अंदर, आज से 133 ईयर्स पहले इंडिया से डूरंड कप की शुरुआत हुई। फिलहाल इसके अंदर टोटल टीम्स 16 है केरला के पास। इनको शुरुआत करने का श्रेय जो कि हिमाचल प्रदेश शिमला में 1888 के अंदर किया था वो किया था हेनरी मोर्टाइमर डूरंड ने, जिसकी फ़ोटो आप ये देख रहे हो। तो इसके अलावा जो अभी 113th एडिशन है वो कोलकाता के अंदर होगा, तो जो कि विवेकानंद युभारती करीरगंज में शुरू होगा, उसमें वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उन्होंने किक करके इस टूर्नामेंट का उद्घाटन कर दिया था।
तो जो 2021 के US ओपन हुए हैं उसके जो मेन सिंगल्स के विनर हैं वो है डेनियल मेडवेडेव। इसके अलावा वुमेन्स सिंगल्स के जो विनर है वो है एमा राडुकानू। इसके अलावा जो डबल्स मेन्स इवेंट है उसके अंदर विनर है राम और सेलिसबरी। इसके अलावा वुमेन्स डबल्स के अंदर जो विनर्स हैं वो है स्टोसुर और जांग। मिक्स डबल्स के अंदर हैं क्रावजिक और सॉलिसबरी। नेक्स्ट इज इंडियन गोल्फर जीव मिल्खा सिंह हैज़ बिकम द फर्स्ट प्रोफेशनल गोल्फर इन द वर्ल्ड टू रिसीव दुबई गोल्डन वीज़ा। तो जीव मिल्खा सिंह जो है वो भारत के ऐसे पहले गोल्फर हैं और विश्व के ऐसे पहले गोल्फर हैं जो कि दुबई के लिए जिनको गोल्डन वीज़ा मिला है, यानी 10 साल तक वो दुबई के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज IOC सस्पेंड्स नॉर्थ कोरिया फ्रॉम 2022 विंटर ओलंपिक्स। तो जो 2022 के अंदर विंटर ओलंपिक्स बीजिंग के अंदर होने वाले हैं उनमें से नॉर्थ कोरिया को सस्पेंड कर दिया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने, क्योंकि कुछ जो प्रीवियस ओलंपिक हैं उनकी फीस जो है वो पेंडिंग है, अभी तक नहीं दी गई है, तो इसलिए नॉर्थ कोरिया की बार पार्टिसिपेट नहीं करेगा। IOC जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यही डिसाइड करती है कि कितनी कंट्रीज़ कितने नेशंस ओलंपिक गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और कैसा ओवरऑल जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर फैसिलिटीज़ है उन सबको कोऑर्डिनेट करने का काम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ही होता है। ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।